गाइस वेरी शॉर्ट का प्रॉब्लम नंबर 12 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, और ये भी एक अच्छा और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसको भी ध्यान दें। देखो, आपको अपने 20 मार्क्स सिक्योर करने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, उनके लॉजिक को समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं चपत खा जाएंगे वेरी शॉर्ट के अंदर। तो आप बिल्कुल भी अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, ध्यान से और ठंडे दिमाग से सोचें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट भाई। आप प्रैक्टिस करें सारे शॉर्ट क्वेश्चनों पे हमसे, क्या अगर आप प्रॉब्लम नंबर 12 के अंदर एक बेसिक और अच्छा प्रॉब्लम है और ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, हमसे कह रहा है अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। यहाँ तक समझें, आगे लिखा हुआ भाई, यहाँ तक समझें। यहाँ तक ये कह रखा है कि अगर आपके सूखे बाल हैं और उसके अंदर आप कंघी करनी शुरू कर दो, अब ये कंघी जो है हल्के हल्के कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, क्यों? पहला तो हमसे यहाँ तक ये पूछा गया है क्यों। आगे कह रखा है व्हाट हैपेंस, क्या होगा इफ हेयर्स इज वेट और इफ इट इज अ रेनी डे। क्या होगा अगर आपके बाल गीले हैं और या फिर मौसम जो है वो बरसाती मौसम है, बारिश वाला मौसम है, तब क्या होगा? तो जब बरसात वाला मौसम होता है या फिर आपके बाल गीले होते हैं, तब उन दोनों ही कंडीशन में जब आप अपने बालों में कंघा करते हो तो फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाता आपके बाल और कंघे के बीच में। जब फ्रिक्शन अच्छे से जनरेट नहीं हो पाता तो बाई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं आ पाता कंघे के ऊपर, इसीलिए फिर कंघा जो है वो कागज़ के छोटे छोटे हल्के हल्के टुकड़ों को नहीं खींच पाता। लेकिन जब आपके सूखे बाल होते हैं और आप उसमें कंघा करना शुरू कर दो, फिर इस कंघे को हटाओ और कागज़ के टुकड़ों को ऊपर लेके जाओ, तो कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब सूखे बाल होते हैं तो सूखे बाल और कंघे के बीच में हाई वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से चार्ज बहुत ज़्यादा जनरेट होता है कंघे के ऊपर और आपके बालों के ऊपर भी। तो आप समझ गए, ये इसलिए होता है ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लिखेंगे इसका आंसर इस तरह से करेंगे, इन ड्राई हेयर, सूखे बालों में, व्हेन कॉम्ब रन्स इट इन ड्राई हेयर, व्हेन कॉम्ब रन इट गेट्स चार्ज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन कॉम्ब एंड हेयर, बट इन रेनी डे और वेट हेयर्स, गीले वालों में या फिर बरसाती दिनों में, फ्रिक्शन बिटवीन हेयर एंड कॉम्ब becomes reduced so that it does not attract to small pieces of paper। ऊपर वाले केस में इन ड्राई हेयर व्हेन कॉम्ब्स रन्स इट गेट चार्ज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन कॉम्ब एंड हेयर, बट इन रेनी डे और वेट हेयर फ्रिक्शन बिटवीन हेयर एंड कॉम्ब बिकम रिड्यूस सो दैट इट डज नॉट अट्रैक्ट टू द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। तो आपको नीचे मैंने लिख दिया कि स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को क्यों अट्रैक्ट नहीं करता, हालांकि ये वाली बात मैं ऊपर भी लिख सकता था। जब ड्राई हेयर होते हैं तो कॉम्ब और आपके हेयर्स के बीच में हाई वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता, तो उस वाली बात को भी लिख सकता था तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। मैंने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे लिख दिया कि अगर आपके ड्राई हेयर की जगह वेट हेयर होंगे और रेनी सीजन होगा या फिर रेनी डे होगा, तब उस कंडीशन में आपके बाल
और कोम के बीच में जो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, घर्षण नहीं लग पाएगा आपके बालों में। जब गीले बाल होंगे तो बाल भाई कंघा एकदम निकलेगा ना, तो फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाएगा। जब फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाएगी तो भाई आपका कोम्ब भी चार्ज नहीं हो पाएगा। बस यही था इसका रीज़न। थैंक यू सो मच गाइज़।